कि रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अनअम अल्लाह अलैहि बिनिअमतिन फलयहमदिल्लाह व मन इस्तबता अर-रिज़्क फलयस्तग़फिरिल्लाह व मन हज़बहु अम्रुन फलयक़ुल ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस सुना कि मुझे यह हदीस सुनाई थी कि रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिस किसी बंदे पर अल्लाह तबारक व ताला कोई नेमत दे, जिस किसी बंदे को कोई इनाम करे, कोई अच्छी हालत में पहुंचे, फल यहमदिल्लाह, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, कि सारी तारीफें अल्लाह की है, शुक्र अल्लाह का है, हम्द करे, शुक्र अदा करे। एक तो ये, दूसरा यह कि मन सब का रिश्ता फल यस्तग़फिरिल्लाह, जिसे अपनी रिज्क में रोजी में देर लग जाए, यानी रोजी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, या तंगी पेश आ रही है मां के एतबार से, तो उसको चाहिए कि अल्लाह से मगफिरत मांगे, इस्तगफार करे। और जिस शख्स को कोई परेशानी पेश आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। ये तलखीन फरमाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं और जाफर सादिक अपने साथ से रिवायत कर रहे हैं, हज़रत अली से हुए, हज़रत आबिदीन रिवायत कर रहे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से।